फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स प्रो ट्यूटोरियल। ये वीडियो में हम देखेंगे जो मोबाइल शॉप्स जो रहती हैं तो वो अकाउंट्स प्रो में किस तरह अपना परचेज, सेल और स्टॉक मैनेज कर सकती हैं, खास करके उनका जो IMIs वाइज जो स्टॉक रहता है वो कैसे मैनेज होगा वो हम ये वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारा ये सॉफ्टवेयर का जो मेन पेज है उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे ये क्विक एक्सेस का पैनल है जिसके अंदर रूटीन के हमारे जो भी काम रहते हैं जैसे सेल, रिसिप्ट, परचेस एंड पेमेंट, इसका यहाँ पे शॉर्टकट अवेलेबल है। फिर यहाँ पे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट मास्टर हैं, लेजर्स एंड आइटम्स, उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर अकाउंटिंग के लिए ट्रायल बैलेंस, लेजर स्टेटमेंट और वाउचर रजिस्टर। और हमें हमारे यहाँ पर स्टॉक देखना है मोबाइल का IMI वाइज, तो स्टॉक स्टेटस में हम देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर मोबाइल के वाउचर्स देखने हैं तो स्टॉक वाउचर में सेल्स का डेटा यहाँ से देख सकते हैं। और ये बारकोड क्वेरी, यानी कि कोई पर्टिकुलर IMI की कुछ क्वेरी आई है तो हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये टू डू लिस्ट है, हमारे जो भी काम रहते हैं रेगुलर वो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ये हमारे फ्यूचर डेट के जो काम रहते हैं वो रिमाइंडर में सेट कर सकते हैं। और ये हमारा डैशबोर्ड, हमारे बिजनेस के जो भी इम्पोर्टेंट फिगर्स है वो यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। अभी हमें जो मोबाइल शॉप का जो स्टॉक मैनेज करना है उसके लिए सबसे पहले हम परचेस देखेंगे। इसका हम परचेस कैसे मैनेज करेंगे, हम यहाँ पे परचेस में गए तो ये परचेस नंबर 2 आ गया, एक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। यहाँ पे परचेस का डेट आ गया, परचेस का टाइप कि कैश में है कि डेबिट में है। फिर यहाँ पे पार्टी का नाम, जिससे हम परचेस कर रहे हैं, यहाँ से नया पार्टी क्रिएट करना है तो हम यहाँ से F3 करेंगे। यहाँ पे पार्टी का डिटेल आप मैन्युअली भर सकते हो सारी डिटेल्स, या तो फिर आपके पास अगर पार्टी का GST नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे पार्टी का GST नंबर डालोगे और यहाँ से आप गेट डिटेल करोगे तो गवर्नमेंट के सर्वर में से उसका डेटा जो है वो फेच हो जाएगा। अभी हमने हमारा कंपनी का GST नंबर डाला, इसको मैंने इम्पोर्ट किया तो उसका जो भी बेसिक डिटेल्स है सब यहाँ पे आ गया। इसका हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे फिट कर सकते हैं, उसका यहाँ पे क्रेडिट लिमिट कुछ है तो पार्टी के बारे में कुछ रिमार्क्स लिखना है तो लिख सकते हैं। अलर्ट ऑन, अगर वो रिमार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अलर्ट के ऊपर टिक करना है। इज एक्टिव माने पार्टी के साथ अगर हमारा कामकाज चालू है तो यस रखना है। इन फ्यूचर कभी इनके साथ बिजनेस बंद हुआ तो हम ये इज एक्टिव नो कर देंगे ताकि गलती से उनका कोई वाउचर इंसर्ट ना हो जाए। फिर यहाँ पे है मोबाइल ऐप एक्सेस, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो भी कस्टमर है वो उनका खुद जो हमारे पास उनका स्टेटमेंट रहता है वो खुद उनके मोबाइल ऐप में देख पाए तो हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। अभी इस लेजर को मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे पार्टी का बिल नंबर, उनका डेट, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी हम उनसे परचेस कर रहे हैं। अभी जितने भी आइटम हमने मेन स्क्रीन में मास्टर में जो अपडेट की है आइटम्स के अंदर वो हम भी यहाँ पे दिख गई। यहाँ से कोई नया आइटम अगर जोड़ना है तो हम F3 करेंगे। यहाँ पे मान लो जो कि इसका ग्रुप स्मार्टफोन, यहाँ पे मैं एक आइटम ऐड कर रहा हूँ सैमसंग X1 एग्जाम्पल। यहाँ पे इसका टेक्स्ट कैटेगरी, इसका मेजरमेंट यूनिट, फिर यहाँ पे है बैच डिटेल कि हम जो ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसमें हम कितना बाइफर्केशन मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे ब्रांड, साइज, कलर, IMI, तो इसके लिए फिलहाल हम IMI मेंटेन कर रहे हैं। कलर चाहे तो कलर भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हमने यस किया। इसका जो भी रिटेल रेट है मान लो 24,500 और उसका MRP मान लो 30,000, इसमें इसकी प्रोडक्ट की इमेजेस अपडेट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। एक्टिव यस रख दिया। अभी यहाँ पे इसकी हमको जितने भी हमने क्वांटिटी परचेस की है उसका हमको यहाँ पे इनपुट डालना है। मोबाइल में क्या रहता है कि हमको IMI वाइज स्टॉक चाहिए तो हमने जितने भी पीस परचेस किए हैं सबका हमको IMI नंबर डालना रहता है। तो भाई मान लीजिए हमने 5 पीस परचेस किए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टी सीरियल इनपुट। यहाँ पे एक साथ मैं बता दूंगा कि मैंने 5 मोबाइल परचेस किए, उसका रेट मेरा है मान लो 11,500 डाल दिया, इसको मैंने इंपोर्ट किया तो ये 5 रो इंसर्ट होगी। अभी मुझे 5 के सिर्फ यहाँ IMI नंबर डालने हैं तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर बारकोड स्कैनर अवेलेबल है तो आपको बस हर एक एक मोबाइल को स्कैन करते जाना है तो सारे जो IMI है लाइन टू लाइन इंसर्ट होते जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे मैन्युअली डाल देता हूँ कि मैंने 5 नंबर डाल दिया। अब इसको मैंने कर दिया सेव। अभी यहाँ पे डिस्काउंट अगर कुछ एडिशनल मिला है तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे और GST अपने आप यहाँ पे आ गया 18%। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म में GST विदाउट GST का बिल है तो हम वो भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा आइटम अगर आपने कुछ लिया है तो मान लो कि ये नोकिया X मान लो उसका एक पीस लिया आपने, उसका यहाँ पे मैन्युअली बारकोड नंबर डालना है तो ये डाल सकते हैं IMI नंबर। सेव किया। अभी अगर कुछ आगे आइटम नहीं है तो डायरेक्ट हम एंटर देंगे। फिर यहाँ पे सेंडरी नेम,
कि बिल के जो भी आइटम्स आई है उसके अलावा कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस आपने पेड किए हैं, जैसे लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस बिल को मैं करूँगा सेव, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि प्रिंट बारकोड, इसको अलग से आपको बारकोड कुछ प्रिंट निकालने हैं IMI के अलावा तो वो आप निकाल सकते हैं। फिलहाल इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि IMI अगर है मोबाइल के ऊपर तो बारकोड तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दोबारा प्रिंट निकालने की मतलब नॉर्मली जरूर नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम प्रीवियस जाएंगे तो वो बिल हमको दिखेगा, इससे भी प्रीवियस जाएंगे तो जो और एक हमने बिल डाला था इस सुपर मोबाइल से वो हमको दिख गया। तो इस तरह ये परचेस मैनेज हो जाएगी। अभी हम मेन स्क्रीन में आ जाएंगे एस्केप करके। अभी यहाँ पे आप स्टॉक स्टेटस में जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि नोकिया X1 के आपके पास 3 पीस पड़े हैं और सैमसंग X1 के 5 पीस पड़े हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है सीरियल वाइज, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन कौन से IMI नंबर है जो आपके पास पड़े हैं। तो यहाँ पे आ गया 4001, 4002, 4003, 4005। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ओके फाइन, और कौन सी पार्टी से लिया वो भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो गया है। अभी हम मेन स्क्रीन में आ जाएंगे। अभी इसका अगर हमको सेल दिखाना है तो हमको यहाँ पे सेल में जाना है। अभी आपको आपका जो भी IMI है उसको डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन करना है। मैं यहाँ पे मैन्युअल इंसर्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट वो आइटम यहाँ पे आ गई, उसका रेट आ गया, उसके ऊपर अलग से GST आ गया और ये टोटल अमाउंट आ गया। यहाँ पे बिल अगर कैश में है तो कैश में, उधारी में है तो उधारी में, और अगर आपका पेमेंट पेटीएम, फोन पे या अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलता है तो उसकी भी कैटेगरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे F3 किया, यहाँ पे पेटीएम, पेटीएम का हम F3 करके एक अकाउंट ओपन कर देंगे, पेटीएम बैंक एग्जाम्पल, अंडर बैंक अकाउंट, सेव कर दिया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए, कैश, डेबिट, पेटीएम और चौथा है मल्टी मोड। मल्टी मोड माने कि मिक्स पेमेंट मिला है, कि कुछ पैसा कैश से मिला कुछ पेटीएम से, तो मल्टी मोड सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आप जितने चाहे पेमेंट मोड यहाँ पे जोड़ सकते हो। यहाँ पे मान लो पेटीएम से पेमेंट मिला, फिर यहाँ पे कस्टमर का नाम, अगर वो वॉक इन कस्टमर है जिसका डेटा मतलब सेव करना हमारे लिए जरूरी नहीं है तो यहाँ पे वॉक इन रखना करना है, और अगर कोई रेगुलर कस्टमर है उसका अगर प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो तो F3 करके आपको यहाँ पे उसका प्रोफाइल क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे डाल दिया, नाम डाल दिया, सेंड SMS, उसको थैंक यू का SMS जाना चाहिए कि नहीं, उसका डिटेल्स अगर अपडेट करना कर सकते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर लेना चाहो तो, सेव किया तो उसका नाम यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे इसको बिल सेव किया, प्रिंट, तो ये आपका बिल का प्रीव्यू आ गया। ये जो बिल का प्रीव्यू आया उसको आप यहाँ से डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, चाहे तो उसको आप यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो। आप डायरेक्ट उसका मोबाइल नंबर डालोगे तो उसको डायरेक्ट ये बिल उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, आपको वो नंबर अपने मोबाइल में सेव करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह ये सेल बिल तैयार हो गया। अभी यहाँ पे हम प्रीवियस में जाएंगे तो वो बिल हमको दिखेगा 2 नंबर का बिल, ये प्रीवियस जाएंगे तो 1 नंबर का बिल, और यहाँ पे भी लास्ट 4 बिल आपको दिखते रहेंगे। जैसे ये TI2 रितेश का था बिल, TI1 ये था, ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिंपल आपको अभी परचेस करने के बाद सिर्फ IMI यहाँ पे स्कैन करने हैं तो आइटम जो है अपने आप डिटेक्ट हो जाएगी। ये मैं दोबारा किया तो यहाँ पे आ गई आइटम, बड़ा ही सिंपल मेथड है। और अगर इसको आप उधारी में सेल करो तो यहाँ पे आप करोगे डेबिट, डेबिट करने के बाद सामने वाली पार्टी का नाम, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है तो F3, मतलब एक नाम बना लिया मनीष, एक नाम बना लिया हमने, इसको सेव किया। ये मनीष कौर को हमने उधारी में बेचा है, इसको हमने यहाँ पे सेव किया बिल प्रीवियस, तो यहाँ पे मनीष गौर के नाम का बिल बन गया। इसको एस्केप करेंगे तो यहाँ पे वापस आ गए। तो बड़ा ही इजी POS सिस्टम है, प्लस इसमें ऑडिटिंग का भी फीचर है। ऑडिटिंग माने कि अगर ये आपके स्टाफ या बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि कौन बिल में एडिट कर रहा है, चेंज कर रहा है, हमको पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे वो सब भी ट्रैक होगा। जैसे हम प्रीवियस में गए, अभी मान लो कि ये मनीष गौर को जो हमने सेल किया था इसको डबल क्लिक करके इसका जो अमाउंट है मान लो किसी ने चेंज कर दिया, इसको 23,000 कर दिया, इसको सेव मार दिया, बिल को 20 ने कर दिया सेव, 3 नंबर का जो बिल था। अभी हम यहाँ पे सर्च नंबर और 3 नंबर करेंगे तो यहाँ पे तो ये अमाउंट अपडेट हो गया कि 23,000 और ये अमाउंट आ गया, पर अभी हम देखना चाहते हैं कि ये किसने चेंज किया, तो यहाँ पे ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि जो कौन से सेक्शन में चेंज हुआ, तो हेडर सेक्शन में अमाउंट 28,910 में से 27,140 हो गया, ये यूजर ने किया था, ये समय पे किया था। फिर कौन सी आइटम एडिट की,
आइटम में रेट पहले चेंज हुआ, सैमसंग X1 में 24,500 का 23,000 कर दिया, और वैसे ही नेट अमाउंट 28,910 में से 27,140 हो गया। तो मतलब कोई अगर डिलीबरेटली कर रहा है तो आप उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्किप करोगे, स्टॉक पोजीशन में जाओगे तो आप देख सकते हो कि इसका स्टॉक कम हो गया। अभी हम इसके अंदर एंटर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल इन्वर्ट 5 का था, उसमें से 2 सेल हो चुके हैं, अभी इतना नेट बचा है। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको इसका स्टेटमेंट आ गया कि टोटल हमने 5 परचेस किए थे, उसमें से ये 2 पीस जो है वो सेल हो गए। और इसके भी अंदर जाओगे तो जो भी आपने सेल बिल बनाया वो आपके सामने आ जाएगा। एस्केप करने से ये वापस चला जाएगा मेन स्क्रीन। इसी तरह आपका सेल्स रजिस्टर, कि आपको सेल्स में प्रॉफिट एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आपको जो भी अपने अपने सेल किया तो उसका प्रॉफिट का फिगर भी आ जाएगा। अभी तो हमने 3 बिल बनाए तो आगे का पहला बिल जो 19,000 का था उसमें हमको 5,000 का प्रॉफिट मिला, दूसरे में 13,000 का, फिर 11,000 का, तो टोटल प्रॉफिट का जो रिपोर्ट है वो भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका सेल, परचेज, प्रॉफिट, स्टॉक सब मैनेज हो रहा है इसमें। प्लस मान लो कि कुछ दिनों बाद कोई मोबाइल आपके पास से रिटर्न आया और उसके आपको बार कोड या EMI नंबर से उसका इंक्वायरी करना है, तो आप बार कोड क्वेरी में जाओगे, यहाँ पे उसका EMI नंबर पेस्ट करोगे तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये 4 तारीख को पहले आपने परचेस किया था नेटकॉम से और आपने बाद में ये रितेश को सेल किया था, तो इसका पूरा आपको मिल गया। इसके अंदर आप एंटर करोगे तो जो बिल बना था वो आपके सामने आ जाएगा। एस्केप से हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अब यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो आपके सारे अकाउंट की समरी आ जाएगी कि बैंक में अभी कितना पैसा है, कैश कितना है, कस्टमर्स के पास से आपको कितना अमाउंट लेना है। इसके अंदर आप एंटर दोगे तो आपको आ गया कि मनीष गौर के पास से आपको 27,140 का पेमेंट लेना है, यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इतना अमाउंट आ गया, वेंडर को आपको इतना पे करना है, यहाँ पे आपने एंटर दिया तो आ गया नेटकॉम को इतना पे करना है और सुपर मोबाइल को इतना पे करना है। अभी इनका हमको अगर पेमेंट दिखाना है तो यहाँ पे पेमेंट, यहाँ मान लो सुपर मोबाइल उसका ये अमाउंट बाकी है 49,560, उसमें से आपने 15,000 का पेमेंट किया। अगर कैश चेक किया तो कैश, और अगर चेक से पेमेंट किया है तो आपको आपका जो भी बैंक है उसका यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। हम टेम्प्ररी एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं HDFC बैंक, 15,000 का पेमेंट किया, यहाँ पे चेक नंबर कुछ मेंशन करना है तो कर सकते हैं। सेव किया तो यहाँ पे मैसेज आएगा प्रिंट चेक, सिस्टम में से चेक का प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे उसका चेक का प्रीव्यू आ गया। आपको ब्लैंक चेक जो है वो अपने प्रिंटर में डालना है, उसके ऊपर ये सेट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे लेजर स्टेटमेंट, सुपर मोबाइल का स्टेटमेंट देखेंगे। सुपर मोबाइल शो, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट मिल गया कि इतना आपने परचेस किया था, इतना पेमेंट कर दिया, अब ये अमाउंट बाकी रह रहा है। यहाँ से उसका प्रिंट देना है तो पार्टी को प्रिंट भी दे सकते हो, उसको ईमेल कर सकते हो, डायरेक्ट पार्टी को व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो फिर PDF में एक्सपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, और एक्सपोर्ट टू एक्सेल, अगर एक्सेल में इसका रिपोर्ट लेके जाना है तो वो भी पॉसिबल है। इसी तरह कस्टमर के पास से पैसा मिला है तो रिसिप्ट मान लो मनीष को इसको 20,000 का पेमेंट मिला, मान लो बाय कैश, इसको सेव किया प्रिंट वाउचर, तो ये एक रिसिप्ट बन गया मनीष गौर के नाम का, उसको भी सिमिलरली ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। स्किप किया, यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो सारी बैलेंस यहाँ पे अपडेट होगी, कस्टमर की बैलेंस कम होगी 7,140, यहाँ देख सकते हैं मनीष गौर का पेमेंट इतना कम हो गया, 27 में से 20 आ गया। सो आप अपना अकाउंट, स्टॉक, परचेज, सेल सारा कुछ इसमें मैनेज कर सकते हैं। एडिशनली आपके जो भी मंथली GST के रिपोर्ट हैं वो भी यहाँ से अपडेट हो जाएंगे, जो कुछ भी सेल किया उसके आधार से आपका GST का 3B समरी, GST सेल रजिस्टर, सेल्स रिटर्न का रजिस्टर, GST की डेली समरी, GST का एक्सेल फाइल, जेसन फाइल, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, वो सारा यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फाइनल रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, वो भी इसमें से अपडेट हो जाएंगे। और एक यूजफुल चीज़, कई बार क्या रहता है कि हमारे जो अकाउंटेंट और CA रहते हैं उनको ये डेटा हमको उनको टेली में प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसका भी यहाँ पे फंक्शन दिया है डेटा एक्सपोर्ट टू टेली। इसमें जो भी आप परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट जो भी डालोगे वो सारा डेटा विथ इन्वेंट्री टेली में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ताकि उनका जो ऑडिटिंग का काम है बहुत ही स्पीड में हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे फीचर्स अच्छे लगे होंगे। आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो आप हमें प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।